अस्सलामुअलैकुम जी, आज मैं दूसरे दिन मियामी में मटर गश्त करने के लिए निकला हूँ। सूरज से हम बहुत ही सख्त है। मटर गश्त जो मैं करने निकला हूँ, तो मैं भी जा रहा हूँ फार्मेसी, एक दो गोली खरीदनी थी डिक्लोफिनाक, क्योंकि मैं खाता हूँ अपने जॉइंट्स में दर्द की। बस अभी खाना वाना खाया था, असल में अभी दोपहर हो रही है, सुबह नहीं है। फिर सुबह जो था वो सुबह नाश्ता किया, फिर मैं बिस्तर में ही पड़ा रहा, क्योंकि कल बहुत थकान हो गई थी। कल पता नहीं कहाँ कहाँ गए थे, कल हम कसिनो गए, इंडियन शॉप में गए, जो स्पाइस मार्केट थी, पिछली वीडियो में देखा होगा आपने, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली, लेकिन वही $160 की चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो कह रहे थे कि ये सस्ती हैं रमज़ान की वजह, तो काफ़ी कल घूमते रहे। तो कल मैं बहुत चला हूँ, कल भी एक सेकेंड, कल भी तकरीबन 5 किलोमीटर में चला हूँ। लेकिन वो जो चला हूँ वो इस तरह नहीं कि मैं 5 किलोमीटर लगातार चला हूँ, मतलब मैं चला फिर थोड़ी देर बाद बैठ गया, फिर बस पे चलने के लिए 10 ब्लॉक्स चलना पड़ा, बस पकड़ी, तो इस तरह। लेकिन फिर भी चलना तो चलना ही होता है ना। उफ़ अल्लाह गर्मी, ये है यूनाइटेड स्टेट्स के मज़े। एक तरफ आप जाएं तो शदीद गर्मी और एक तरफ आप जाएं तो ज़्यादा सर्दी। यार वीडियोस इतनी ज़्यादा हो गई हैं बनने के लिए, अभी मैंने सिर्फ 3 ही डाली है और मेरे ख्याल से मेरे 10 और डालनी है। तो होपफुली जब आप ये देख रहे होंगे तो मैं अर्जेंटीना पहुँच चुका हूँगा। ये ऑटो कार वॉश। यहाँ पे मेरे ख्याल से जो नॉर्मल यूनाइटेड स्टेट्स में जो लोग रहते हैं, उनका मेरे ख्याल से पास टाइम सिर्फ एक ही है कि मैं हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में 2-3 दफ़ा ना इनको वहाँ जाना है ना, वॉलमार्ट और या ऐसी ऐसी जगह। हाँ, तो मैं कह रहा था यहाँ पे जो ना इनका फेवरेट जो पास टाइम है वो यही है, बड़ी सी सुपर मार्केट जाए जहाँ चीज़ें ढूंढने में ही आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं, और बस वहाँ से ढूंढें चीज़ें, इंजॉय करें और वो चीज़ें फिर खाएँ दबा के। चलें जी, यहाँ पे है फार्मेसी। रात को तकरीबन 11-12 बजे मुझे अचानक भूख लगी ना, क्योंकि अर्जेंटीना में तो कोई मसला ही नहीं है, आप 12 बजे 2 बजे 1 बजे उनकी जो डिलीवरी है वो पूरी रात ही चलती रहती है, तो वहाँ अर्जेंटीना में तो मसला ही नहीं है। तो यहाँ मैंने डिलीवरी चेक की, 7:30 बजे से पहले कोई था, फिर मैंने कहा अच्छा तो फिर खाने के भी नहीं होंगे, लेकिन मैंने चेक किया ये जो मैकडॉनल्ड्स था ना यहाँ पे वो 24 घंटे ओपन रहता है, तो मैंने रात को आने की कोशिश की यहाँ पे। अभी मैंने तकरीबन आपको पूरा रास्ता ही घुमाया, तो ये इसके एंड में मैकडॉनल्ड भी है, तो रात को मैंने आने की कोशिश की कि मैंने कहा चलता हूँ पैदल जाता हूँ कुछ लेकर आता हूँ। जैसे ही मैं निकला बाहर, रोड क्रॉस किया, तो बड़ा वियर्ड सा लगा। आप टू क्वेश्चन, वन वेयर इज फार्मेसी? ओह द फार्मेसी इज टू योर लेफ्ट, गो स्ट्रेट इन निकला। ओके, राइट नेक्स्ट टू इट, सो जस्ट लेफ्ट, आई नीड टू टर्न लेफ्ट, स्ट्रेट इन द निकला। ओके, इन द एंड, या थैंक यू वेरी मच। यार असल में ना वो मेरे ब्राज़ील वालों ने मेरे सारे डिओड्रेंट जो है ना उठा लिए, मैंने डिओड्रेंट 2-3 लिए थे अर्जेंटीना से, नए नए उन्होंने उठा के फिर फेंक दिया डिओड्रेंट। फार्मेसी मैं बंद करता हूँ और बाद में खोलता हूँ। यार इन्होंने तो नहीं दिया। ये है यहाँ पे, मैं देखता हूँ अगर कोई मिल गई तो मिल गई। चलो ये डिओड्रेंट ले लिया यहाँ से।
चलिए मेरे फेवरेट प्लेस में चलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बस बंदा यहीं आके रह जाए यूनाइटेड स्टेट्स में, एक से एक जो है ना आपको चीजें मिलेंगी ऐसी कि बस बाकायदा जो है ना मार्के वाली, मार्के अर्जेंटीना मार्के वाली का मतलब है ब्रांडेड, एक से एक आपको ब्रांडेड चीज मिलेगी ऐसी ब्रांडेड के क्या बात है ब्रांडेड की। ये है प्रो मैक्स, अच्छा ये तो निकलता ही नहीं है। आईफोन प्रो मैक्स 1200, ये कितने का है? प्लान के साथ लेंगे तो $115 पर मंथ पे आप ले सकते हैं। ये 256 GB का है। और ये कौन सा है? ये भी आईफोन है, 15 है, ये प्रो मैक्स नहीं। iPhone SE $400 का, iPhone 14 30, अच्छा है हाँ Moto G Play, ये $179 का है, ये 243। प्राइसेस जो जो, और ये आपकी स्मार्ट वॉच, मुझे चाहिए थी लेकिन ले नहीं सकूँगा। एप्पल वॉच, ये एप्पल वॉच है, ये सैमसंग गैलेक्सी 4 है, 4 इतनी महंगी क्यों है यार, 5 सस्ती है, और ये 6 है, ये है ना 6, नोकिया, सीरियसली नोकिया, ये पड़े हुए हैं यार $200 के हेडफोन, वाह 49 लॉजिटेक का, महंगे बड़े हैं यार क्या करें, लेने का दिल तो करता है लेकिन फिर बंदा कहता है यार ये सस्ते वाले आ गए। LG मॉनिटर नहीं था कोई, मतलब ख़ास नहीं था ये, आपको फिर वो ऑनलाइन ही या स्पेसिफिक या स्टोर पे जाना पड़ेगा। किसी ने वो VR सेट ही निकाल दिया, बड़े महंगे भाई, बहुत ही महंगे। DJI, ये भी मुझे लेने थे यार, क्या करें यार। चॉकलेट चिप कुकीज खाने का दिल कर रहा है तो ये लूँ या पलमीटा लूँ, तो बहुत खर्चा हो गया। मैंने क्योंकि वो डिक्लोफिनाक तो नहीं मिली, उन्होंने कहा नहीं बगैर प्रिस्क्रिप्शन के हम देंगे ही नहीं, अच्छा भाई तो फिर मैंने ना ये खरीद लिया अपने, क्योंकि घुटने में मुझे बड़ी तकलीफ होती है आजकल हो रही है तो मैं डिक्लोफिनाक खाता हूँ, ये ऑर्थराइटिस के लिए, लेकिन ये कि मेरे घुटने भी ना पूरे ऑर्थराइटिस वाले ही हो चुके हैं। खैर मुझे ऑर्थराइटिस नहीं है लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस लग रहा है क्या। Bye-bye. Bye. What's your problem? Bye.
ओके चलो यहाँ से हो गई शॉपिंग, दवाएं भी ले ली, कोका भी ले ली, हर चीज़ ले ली। उम्मीद है आपको ये छोटा सा कुछ मिनटों का व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे मैंने बहुत से पिछले बनाए जहाँ मैं गया हूँ यार, यहाँ मेरे ना होंठ थोड़े खुश्क हो जाते हैं और फिर मैं जो ना बोली वो खाल जो है ना मेरे होंठों की बड़ी हार्ड हो जाती है और फिर मैं उसे नोचता हूँ तो फिर वो खून बहना शुरू हो जाता है। तो अभी भी यही किया मैंने। खैर तो इसके साथ ही ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल और मिलते हैं अगली वीडियो में।